तो गाइस काफ़ी टाइम हो गया मैंने अपने चैनल पर फोटो एडिटिंग से रिलेटेड कुछ भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो फाइनली दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए वन क्लिक फोटो एडिटिंग लेके आया हूँ, वो भी दोस्तों प्रोफेशनल पीसी जैसा। जिस प्रकार से पीसी में फोटो एडिट होता है उसी प्रकार से फोटो आप यहाँ पे वन क्लिक के माध्यम से कर सकते हो। कैसे करना है उसके लिए आपको इस वाले वीडियो को बिना स्किप किए देखना होगा। साथ ही में इस वाले वीडियो में जो जो चीज़ों का मैं यूज़ किया हूँ सारे चीज़ों का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन का जो फाइल होगा उस पर एक पासवर्ड प्रोटेक्ट किया है, जो पासवर्ड आपको इस वाले वीडियो के अंदर चार स्टेप में मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, और आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके अपने छोटे भाई का जरूर हौसला बढ़िएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस प्रकार से फोटो को एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल को ओपन करना पड़ेगा। देन मैंने यहाँ पे जो लिख के सर्च किया है सेम टू सेम आप यही लिख के सर्च कीजिएगा। आपके सामने जो फर्स्ट वाला वेबसाइट आएगा इसको आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। आपको इस वाले वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा। जब साथियों आप वेबसाइट को ओपन करते हैं वेबसाइट का इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर आएंगे। देखिए मेरा जिस तरह से आया है सेम टू सेम आपका भी यहाँ पे आ जाएगा। अब साथियों आपको फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। मीडिया वाले ऑप्शन में जाके अब साथियों यहाँ से अभी आपको अपना जो फोटो होगा उस वाली फोटो को आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट आप यहाँ पर कर लीजिएगा। तो साथियों मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर इस वाली फोटो को सिलेक्ट यहाँ पर किया हूँ। तो देखिए पहला जो फोटो है कुछ इस प्रकार से है, अच्छे से आप इस वाली फोटो को आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इसी वाली फोटो को मैं आपके सामने यहाँ पर एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ, वो भी दोस्तों वन क्लिक के माध्यम से। तो साथियों सबसे पहले तो आप यहाँ पे जितने सारे ये टूल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं इन सारे टूल्स का आपका यहाँ पे अलग अलग काम है। अगर आप फोटोशॉप या फिर फोटोशॉप सीसी आप यूज़ किए होंगे तो आपको पता ही होगा इन सारे टूल्स का काम। अब दोस्तों आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जब साथियों आप यहाँ पर क्लिक करते हो कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आते हैं। यहाँ पर साथियों आपको जो ये वाला बॉक्स दिख रहा होगा उसके जस्ट बगल में आप ये वाला ऑप्शन देख सकते हो, आपको इस पर क्लिक करना है। जब साथियों आप यहाँ पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार के आपके सामने ऑप्शन आएंगे। ये सारे जो ऑप्शन है आपको पीसी में देखने को मिलता था, पर अभी के डेट में आप इसको आप यहाँ पर मोबाइल से भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर साथियों अब आपको यहाँ पर जो कलर लुक वाला ऑप्शन है लुकअप वाला आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब साथियों आप यहां पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से आपके सामने यहां पर ऑप्शन आएंगे। यहां पर जो लुकअप है पहले मैं इसको रीसेट कर देता हूं। रीसेट करने के बाद साथियों आपको इस पर यहां पर क्लिक करना पड़ेगा। यहां पर अगर आप देखो तो कुछ इस प्रकार से आपको यहां पे देखिए ये सारे आपको यहां पे देखने को मिलेंगे डिफ़ॉल्ट, जो बाय डिफ़ॉल्ट यहां पर दिया हुआ है। जितने सारे आप देख रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, ये आपको पहले से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर साथियों आप यहाँ पर देखिए आपको लोड icc.cube.log 3DII ये जो वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको साथियों इस पर क्लिक करना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से आपका फ़ोन के गैलरी ओपन होकर आएगा। अगेन आप यहाँ पे मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, जहाँ पर साथियों आपको मैंने कुछ फाइल्स का लिंक दे के रखा है, आपको उन वाले फाइल को लोड कर लेना है। लोड करने के बाद साथियों आपको यहाँ पर जो आपने फाइल लोड किया है उसको कुछ इस प्रकार से क्यूब फॉर्मेट में आपका यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11 एंड Q12 जो है आपको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए जो फाइल है मेरा यहाँ पर कुछ इस तरह से लोडिंग यहाँ पर ले रहा है, धीरे धीरे आपको यहाँ पे लोड लेता हुआ दिखेगा। अब साथियों आपको यहाँ पर टोटल जो 12 क्यूब फाइल है इनको आपको यहाँ पर लोड होने देना है। लोड होने के बाद साथियों आप यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे Q1, Q2, Q3 को सिलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे फोटो चेंज होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे वन क्लिक किया जो मेरा फोटो यहाँ पे चेंज हो गया है। मतलब मैंने जस्ट यहाँ पर क्या पहले मेरा फोटो कुछ इस प्रकार से था, देखिए इस प्रकार से था। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया कुछ इस तरह से यहाँ पर हो चुका है, मैंने जब से यहाँ पर क्यूब को सिलेक्ट किया। अब दोस्तों अगला जो क्यूब है मैं यहाँ पे देखता हूँ थोड़ा यूनिक कौन सा लगता है। तो Q5 को मैंने सिलेक्ट किया तो देखिए मेरा जो कलर है कितना बेहतरीन तरीके से चेंज हो गया है। अब साथियों आप अगर इस वाली फ़ोटो को सेव करना चाहते हो तो साथियों आपको यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे चले जाना होगा, एक्सपर्ट अस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखिए कई सारे आपको फॉर्मेट देखने को मिलेंगे। सो आप यहाँ पर आपका जो फ़ोटो है उसको आप PNG या फिर JPG में रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर JPG वाले ऑप्शन पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर साथियों आप अपने हिसाब से उस रख के
आप यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो और सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको आपने सीधा अपनी गैलरी में भी आप सेव कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे वन क्लिक के माध्यम से ही आपको जो फोटो है उसको मैंने यहाँ पे एडिट करके दिखा दिया है। अभी दोस्तों प्रोफेशनल फोटोशॉप जैसा, वो भी मोबाइल की माध्यम से, कितना आसान है आप सोच सकते हैं। ठीक है।